महाविकास आघाड़ी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीटों का बंटवारा हो गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना वाले इस गठबंधन ने मंगलवार को ऐलान किया कि कौन कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत उद्धव ठाकरे की पार्टी 21 एनसीपी और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने बताया कि कांग्रेस नदरबार, धूले, अकोला, अमरावती, नागपुर, बादरा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नदेड़, जलना, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, पुणे, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर और नॉर्थ मुंबई से लड़ेगी। वहीं शरद पवार की पार्टी बारामती, शिरपुरा, सतारा, भिवंडी, वारधा, अहमदनगर दक्षिण, भीर, मधा, डिडोरी, रावेरी सीट पर लड़ेगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जलगांव, परभड़ी, नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मवाल, धाराशिव, रत्नागिरी, बुलढाणा, शिरडी, संभाजीनगर, सिंगली, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई साउथ सेंट्रल, यमतवाल, हिंगोली और हथकड़गड़े सीट पर लड़ेगी। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं बचा है, सब कुछ साफ हो गया है। इस बार मैंने नारा दिया था किसको तड़ी पार करना है। उन्होंने आगे कहा, जगहों को लेकर कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा ज़रूर होती है और ये गलत नहीं है, लेकिन सबको ये सोचना होगा कि किससे लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम अब जल्द ही घोषणा करेंगे महाविकास आघाड़ी मिलकर कैसे प्रचार करेगी। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जगह बंटवारे को लेकर हमने सारी मुश्किलें खत्म कर दी हैं। राज्य और केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। सबने देखा है कि किस तरह से सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर में बैठाया गया। इसका बदला जनता लेगी।